कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोला। रैली में कांग्रेस नेताओं ने कहा, सरकार आने के बाद से भाजपा नेताओं ने जनता का कम और खुद का विकास ज्यादा किया है। कांग्रेस ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध में जन आक्रोश रैली निकालकर जनता को भाजपा सरकार की सच्चाई से रूबरू करवाना शुरू कर दिया है। हरदा विधानसभा में जन आक्रोश रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री नेता सुरेश पचौर, हरदा जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम पटेल, पूर्व विधायक आर के दोगने ने भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने जनता को लूटा है, कोई विकास नहीं किया है, विकास के नाम पर बीजेपी के लोगों ने खुद का विकास किया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। एनसीआरबी रिपोर्ट के आधार पर जो महिलाओं पर जो अत्याचार नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश के शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति चरमरा गई और मध्य प्रदेश पर लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में आय के भ्रष्टाचार की स्थिति है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मध्य प्रदेश की सरकार अपने घोटाले की सरकार बन के रह गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।